सभी लोग को नमस्कार। आज क्लास टेंथ का हम लोग फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट वीडियो और ये मैराथन है, मतलब एक चैप्टर एक साल आपका कंप्लीट। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि क्लास टेंथ का जो चैप्टर वन है उसमें क्या क्या पढ़ रहा है। तो महान गणितक यूक्लिड का डिवीजन लेमा पढ़ना है पहला, दूसरा एलसीएम एससीएम पर, ये दोनों बात हम लोग को अच्छे ढंग से आना चाहिए। अगर बहुत लोग कहते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो एलसीएम का जो स्पेशल क्वेश्चन होता है वो नहीं होता। अगर एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन की बात करें तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आप पढ़ेंगे, एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि वह नंबर क्या है, वह नंबर क्या है, एग्जाम्पल वह नंबर क्या है जिसे दो से भागा दे तो रिमाइंडर एक बचे, तीन से भागा दे रिमाइंडर दो बचे, चार से भागा दे, यानी एक इंसान अंडा को अगर दो दो का पेयर बनाता है तो एक अंडा बन जाता है, तीन तीन का पेयर बनाता है तो दो अंडा बन जाता है, चार चार का पेयर बनाता है तीन अंडा बन जाता है, पांच पांच का पेयर बनाता है चार अंडा बन जाता है, और छह छह का पेयर बनाता है पांच अंडा बन जाता है, और सात का पेयर बनाता है कोई अंडा नहीं बचता है। देखिए यह एनसीईआरटी किताब में आपका क्वेश्चन होगा, यानी अगर दो दो का बनाता है तो एक बचता है, तीन तीन का बनाता है तो दो बचता है, चार चार का बनाता है तीन बचता है, पांच पांच में चार बचता है, छह में पांच बचता है और सात में नहीं बचता है। यह क्वेश्चन को चलिए आपको हम एक मिनट का मोहलत देता हूं, जानते हो इसको लोग बनाते हैं से क्या करते हैं कि नंबर लेते हैं और बताते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो कैसे करना है यह बात तो देखो, इसका डिफरेंस एक का है यानी यह एपी में, और इसका भी डिफरेंस देखो एक का है यानी ए भी एपी में। जब एपी में दोनों रहता है एपी में तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये सात से पूरा कट जाएगा तो इसको हम पहले छट कर दें। अब यहां पर टू थ्री फोर फाइव सिक्स का एलसीएम निकाल, एलसीएम आ गई सात, साठ को हम सात से भागा देंगे तो इससे पहले साठ से पहले आपको क्या करना होगा कि रिमाइंडर चूंकि सब में एक बच रहा है तो साठ में से एक दिया 59, 59 को हम सेवन से डिवाइड करेंगे, क्या यह सात से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी 59 साठ गुना 60 पूरा कितना हो गया 120, 120 को वन से डिवाइड कर कटा दिए कितना गया 119,
यहां 119 आया और इसको आपने 60 से डिवाइड किया, इकट्ठा यानी वह नंबर 119 है। वह नंबर क्या है? आया करने से क्यों नहीं है? अब इस पर नया नया क्वेश्चन, यानी जब क्वेश्चन विंडो की अगर हम बात करें तो यहां पर न्यू क्वेश्चन डाला होगा, यानी इसमें आपका एक नया क्वेश्चन डाला पड़ेगा। कि अगर हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचे, 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 बचे, और 4 से डिवाइड करें तो 3 बचे, और 5 से करें तो 9 बचे। अब तुमको ये घेर देना पड़ेगा, इसकी एलसीएम निकालोगे, एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 12 होगा। सभी पैरामीटर एक एक बच रहे, 12 में से एक चले गए तो कितना बच गए? अब 12 गुना कितना हो गया बताओ? 24 में से एक चले गए कितना बच गए? 12 दिया कितने हो गए? 36 में से 1 चले गए 35। 5 से कट गए कि नहीं कट गए? यानी वह नंबर क्या है? अब प्रश्न ये होता है, राम जी श्याम जी नंदी जी जो भी है, सुधीर जी पुष्पाजी जी जो भी या मालूम वीडियो देखे, क्या आप क्रिएटर बने? क्योंकि एक यूट्यूब चैनल पर जाएगा, इसका मतलब हमारा यूट्यूब चैनल ही है क्रिएटर, मतलब आपको क्रिएट करना सिखाएगा। तो ये आपने आप बहुत से देखिए पीछे वाला पेज में, यहाँ साफ पढ़ाई, यहाँ बहुत से देखिए क्या था, बंद करो, यहाँ पर केवल देखो ये सात प्राइम नंबर था। अभी वाला प्रश्न तुम क्या देख रहे हो? 500। यानी जब भी होगा तो लास्ट में जो आपका क्वेश्चन होगा जिसमें रिमाइंडर बचेगा वह रिमाइंडर आपका प्राइम नंबर का जीरो होगा। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? प्राइम नंबर का जीरो होगा। ओवरेशन तो क्या इससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं? बोलो यस या नो। क्या इससे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं? बोलो क्या आपके दिमाग में खुल सकता है? बोलो ये मैराथन चल रहा है कि रियल नंबर चैप्टर कंप्लीट करके ये बनते कर रहे हैं सब लोग नहीं कर रहा? यानी अगर हम पेज को यहां पर चेंज कर दें तो यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yes, yes. 2 का पेयर लगाने पर 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रिमाइंडर 1 का है। बोलो अब ये वाले को तो घेरना पड़ेगा ना, देखो 11 में तो 0 बताए थे, अब यहां तक की एलसीएम निकालना पड़ेगा। अभी क्या निकालना पड़ेगा? तो यहां पर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 का एलसीएम निकाल, तो यहां पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दो से कटेगा, कटेगा फिर 3 से कटेगा, अभी 2 से कटने वाला है तो काट दो, फिर 3 से कटेगा। बोलो यहां 1, 1, 5, 1, 7, 2, 3, 5 और 5 से कटेगा। बोलो 1, 1, 1, 1, 1, 7, 2, 3, 1 और कटेगा,
नहीं, सात मुकीम तो रह नहीं जाएगा, तो हम गुना कर देते हैं, दो दुना चार तिहाई, बारह पांच सात, और द्वितीय छह और सात यानी 60 × 42 जीरो का जी, छ दुना बारह और छ यानी 2500 या 2520 आया ना, इसमें से एक घटा दिया तो 2520 माइनस वन बचा 2519। अब यह 2519 को 11 से काट के देखो कट रहा है, काटा नहीं है ध्यान, 2 × 1 = 3 हो रहा और 9 × 5 = 14 हो रहा, 3 × 14 चला गया 11, और 11 का डिविजन के सिंबल पता है चल गया 3 और प्लस को जोड़ते हैं, इनर प्लस को जोड़ते हैं और दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, अगर वह 11 का मल्टीपल होता है तो वह पूरा का मल्टीपल, तो क्या सर क्या यह क्वेश्चन आप लोग को आ गया, क्लियर करने आ गया, हम लोग एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन करेंगे और उसमें क्वेश्चन को हल्का क्वेश्चन कैसे हो सकता है और कैसे हम लोग कर सकते हैं, क्वेश्चन का क्रिएट कैसे हो सकता है, ये सारा चीज हम लोग इस पर करेंगे। अब इसमें एक्स्ट्रा माइंड भी चाहिए, अगर मैं तुमसे कह दूं कि किसी संख्या को जब हम 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 2 बचता है, 5 से भाग देते हैं रिमाइंडर 3 बचता है, और 7 से भाग देते हैं रिमाइंडर 4 बचता है, वो नंबर है, यानी कहने का सेंस कि आपके पास 1 कितना है, अगर 1 2 का पेयर किया है यानी 3 का पेयर किया जाए तो 2 अंडे बन जाते हैं, 5 का पेयर किया जाए तो 3 अंडे बन जाते हैं, और 7 का पेयर किया जाए तो 4 अंडे बन जाते हैं। इसी को ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जिसे 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचता है, 5 से 3 बचता है और 7 से 4 बचता है, वो बोला सर अब कैसे बनाऊंगा, हम बताए थे इसका एलसीएम ले लोगे, पहले तो यहां पर देखना है 3 में से 2 गया थे, 5 में से 3 गया था 2 और यहां पर ये 3 सही नहीं है, इसको तुमको जितना का यह डिफरेंस रहेगा उतना से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना होगा डिफरेंस कितना का है 2, डिफरेंस कितना का है, तो यहां 2 दुना कितना हो गया, 3 दुना कितना हो गया, 4 दुनी समझ गए, अब देखो 3 में से 4 गया माइनस 1, 5 में से 6 गया माइनस 1 और 7 में से 8 गया अब यह माइनस 1 तो आ गया, अब देखो 3, 5, 7 का एलसीएम निकाले 105 आएगा, आइए माइनस 1 है यह माइनस 1 30, अब भाई इसका डिफरेंस कितना का है, यहां 2 कर दिया, अब 105 माइनस 1 तुम्हारे पास कितना हो गया 104/2 कर देंगे, बोलो यस सर। अब यहां पर देखो एक मैथ तुमको दिखेगा, क्योंकि अंदर घुसो के तब ना दिखेगा, इस 52 को तुम 3 से डिवाइड करो, 17 दिया 51 हो गया, बोलो एक रिमाइंडर आ गया, 5 से भागा तो 10 × 50 हो गया, रिमाइंडर 2 आ गया, 7 से भागा दो 7 × 49 आ गया, रिमाइंडर 3 आ गया, गौर से इसको देखो, गौर से देखो क्या देखा, क्या देखा,
नहीं देखा, देख इसका कोशिया और इसका कोशिया सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ग्रेटेस्ट डिविजन आता है। यानी यहां पर एक लॉजिक क्लियर हो गया, यह लॉजिक ग्रेटेस्ट क्वोशिएंट, ग्रेटेस्ट क्वोशिएंट माइनस मिडिल क्वोशिएंट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट डिविजन। यानी जब इस प्रश्न को सब्जेक्टिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो मान लेंगे कि वह नंबर एक, वह नंबर क्या है, अब ग्रेटेस्ट डिविजन कह रहा है, यानी एक्स माइनस टू, ये पेन थोड़ा सा कम दिख रहा है, तो यहां पर ये एक्स हो गया और एक्स माइनस टू बोलो डिवाइडेड यहां पर थ्री माइनस यहां एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड फाइव इजिकल टू सेवन। अब यहाँ थ्री फाइव का एलसीएम 15 हो गया और यहाँ पर 5x माइनस 10 और यहाँ पर माइनस 3x होगा, तो इजिकल टू सेवन। 5x में से 3 गया तो 2x हो गया माइनस 1, यहाँ पर 15 इजिकल टू सेवन, यानी 2x माइनस 1 इजिकल टू 10, यानी 2x इजिकल टू 10, यानी x इजिकल टू यहाँ पर तुम्हारे पास ए, यहाँ पर कितना था 5 × 10 बोलो मतलब आई माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, समझ गया। तो यहाँ पर तुम्हारे पास जो आया x माइनस 2/3 ये तो ग्रेटेस्ट डिविजन हो गया, और x माइनस 3 किए तो यहाँ पर ठीक है 5 × 10 और ये वाला काम लोग सॉल्व किए 5 × 10 माइनस 3x और 105 हो गया, ठीक। तो तुम्हारे पास ये तुम्हारा आ गया यहाँ 53 है, ये कैलकुलेशन में कौन मिस्टेक हुआ है, आइए हम लोग देखते हैं। 3 से डिवाइड कर रहे थे कितना बचा, 3 से डिवाइड करने पर यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा सा 53, तो यहाँ पर तुम्हारे पास मिस्टेक हुआ है, यहाँ माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा ये 53, आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 53 डाल देंगे, यहाँ भी 53, यहाँ भी 53 बोलिए। अब यहाँ रिमाइंडर देखिए 2 बच रहा है, इसमें 3 बच रहा है, इसमें क्या बच रहा है 4, वो तो 4 था, यहाँ पर भी हम लोग सॉल्व किए तो यहाँ 106/2 यानी कट गया तो 53 हो गया, बोलो यह सब्जेक्टिव बनाने आ गया, बोलो सब्जेक्टिव में क्या है, ऑब्जेक्टिव में क्या है, क्लियर हो गया। यहाँ पर ये जो डेटा आएगा यहाँ पर ये माइनस होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब एक प्रश्न तुम लोग जल्दी से बना के दिखाओ, लिखो 3 से जब हम डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, 3 से डिवाइड करने पर 1, 5 से 2 और 7 से 3 वह नंबर क्या है यह बताना है, जल्दी करें। दूसरा क्या है कि 5, 7, 9 यहाँ 2, 3, 4 और तीसरा क्या है कि 7, 9, 11 और 1, 2, 3 यह जल्दी सा बनाएं। तो हमें नहीं लगता है कि बनाने में कोई आपको दिक्कत आएगा, चलिए हम बनवा देते हैं। पहला क्या करना होगा, इसका डिफरेंस पहले करेंगे, डिफरेंस यहां पर आ रहा है 2, यहां 3, यहां 4, इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिफरेंस कितना का है 2 से आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो ये
यहाँ ये, यहाँ पर भी है, बोलो भाई। अब यहाँ 3, 5, 7 का एलसीएम 105, यह एक घट जाएगा, डिफरेंस 2 का है। ध्यान इधर उधर रहेगा तो क्या होगा, सच्ची नहीं लगे। यानी यहाँ 104/2 कट गया तो 52 हो गया, बोलो यस या नो। इसी रंग से इसका करोगे तो क्या होगा, अभी डिफरेंस करो, 5 में से 2 गया तो 3, 4, 5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 4, 6, 8 हटाओगे, 1 आ गया, बोलो। अब यहाँ पर 5, 7, 9, 315 एलसीएम हो जाएगा, एक घट जाएगा, डिफरेंस कितना का है, यानी यहाँ पर 314/2 हो जाएगा, कट गया 157, समझ में आया। इसी ढंग से इसका पहले डिफरेंस कर रहे हो तो 8 यानी 6, यहाँ 7, यहाँ 8 हो रहा है। अभी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से 2 4, 6 हो गया, 7 में से 2 गया तो 5, यहाँ भी 5, यहाँ पर भी 5। अब यहाँ पर 91, 99, 99 7, 9 से 3 63, और यहाँ पर 72, इसमें से 5 चला जाएगा, 2 हो जाएगा, तो आपका यहाँ 13, तो यहाँ 88 हो जाएगा ना, अब 2 कट गया, 344, क्लियर हो गया। अब तुम्हारे पास देखते हैं कि इसमें जितना प्रश्न करोगे उतना ही तुम्हारा क्लियर होगा। यहाँ ये 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 11, यहाँ 1, 2, 3, यहाँ पर 5 है और यहाँ 9 है, 13 है, 2, 3, 4। चले इसको प्रश्न को बनाएं, क्योंकि ये मैराथन क्लास चल रहा है। चलिए तो एनसीईआरटी में मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ये जो तुम लोग कहोगे कि सर ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये कह रहा है इन काउंटेड इन प्रेयर 1 मिलियन, इन काउंटेड थ्री 2 मिलियन, इन काउंटेड 4 देयर विल 3 मिलियन, इसी ढंग से दिया हुआ है। अब इसमें लॉजिक क्या लगाओगे, पहला तो हम तुमको अभी इक्विटेबिलिटी लेमा के बारे में चर्चा किए थे, क्योंकि एक अब थ्योरम का हम चर्चा करेंगे और आज चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। अब यहाँ पर तुम्हारे पास देखना ये होगा, ठीक है, यहाँ डिफरेंस किया तो 2 आया, 5 आया, 8। लेकिन अगर देखो यहाँ देखो कितना का डिफरेंस है, बताओ इतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, इतने से करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ 8 हो गया, 12 हो गया। अब 3 में से 4 गया, कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा कि माइनस हुआ। अब 3, 7 का एलसीएम निकाल दोगे तो 7 या 21,
21 × 11, 11 वन जाए 11, 11 टू जा 22 हो जाएगा। आप बताओ ये माइनस वन जुटेगा कि हटेगा? गुना करने में कोई गलती नहीं, 31 होगा, 11 दो, हाँ 31 हो गया, 231 ठीक। अब ये माइनस वन यहां पर जुड़ गया तो प्लस वन हो गया, बटे चार से हम भाग दे देंगे तो 232 बटे चार हो गया। अब इसको काट दो, चार बचे 20 और चार अठी 32, 58 एक ऐसी नंबर है जिसको हम तीन से भाग देंगे तो देखिए रिमाइंडर वन बच रहा है। अब इसकी प्रैक्टिकली लाइफ में आइए कि 58 को तीन से करेंगे 19 बार में लगेगा, रिमाइंडर एक आ रहा है। इसी 58 को अगर हम 7 से करेंगे तो 37 × 56 होता है, यहां पर रिमाइंडर 2 हो रहा है, और 19 में से 8 जा रहा है तो देखिए 11 आ रहा है, सब्जेक्टिव नॉलेज हो रहा है। और 11 से जब इसको हम 58 को डिवाइड करेंगे तो 11 × 55 रिमाइंडर 3 हो रहा है। यह बात आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो आ रहा है? अब बताओ क्या दूसरा क्वेश्चन तुम लोग बना लो कि नहीं बना लो? यहां पर कितना का डिफरेंस है बताओ? 4 का, 4। इसको आप कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8, यहां 12, यहां। अब 5 में से 8 गया तो कितना बचा? माइनस, ये भी वाला माइनस थी, ये भी वाला माइनस थी। अब तुम्हारे पास क्या करोगे? 5 और 9 और 30 का एलसीएम लो, तो यहां पर ये 45 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 13 × 65 हाथ में 6 बच गए, 13 × 52 हो गया, अब 52 और 6 हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। अब यहां पर 3 हमें जोड़ना पड़ेगा, 3 हमें जोड़ना पड़ेगा ना, यहां 3 जुड़ गया बटे 4 हो गया, यानी 588 हो गया बटे 4 हो गया, राइट कर देंगे 4 × 4 कट रहा है, 4 × 4 = 7, यानी 147 एक ऐसी नंबर होगी जिसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 मीटर बचेगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, 13 से करेंगे तो 3 बचेगा। तो जितने सज्जन जो 8 क्लास के बच्चे हैं वह अगर हमारे वीडियो को आप देख रहे होंगे तो यह बात बिल्कुल आपको समझ में आपको आ गया होगा कि आपको क्या मैंने क्वेश्चन को कहा, ये आप 100% जान चुके होंगे। अगर ये जान गए हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो ये जानने की बात है, क्लियर है। अब इससे हमारा डिविजन स्टार्ट होता है जिसे आगे चल के क्लास करते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, क्लास। क्लास नहीं बेसिकली इसको कहा जाता है इक्वल बैलेंस क्लास क्या है यह बात आपको यहां पर जानना है। तो देखो अभी हमारे पास यहां विद्यार्थी है वो मात्र 2 है, अगर ये 2 विद्यार्थी है और हमारे पास एक इंटीजर्स −5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 के डाउट है? नहीं है, ठीक है। और भाई कितना है? 2। अच्छा बताओ 2 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या बचेगा? 0 बचेगा या तो 1 बचेगा। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 ही चीज होगी, या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा। यानी यहां पर जो क्लास होगा या तो 0 का क्लास होगा या तो 1 का क्लास होगा। क्लास लिखते कैसे है? 0 क्लास, 0 क्लास मतलब 2 के मल्टीपल प्लस 0। यहां क्या लिखेंगे? 1 क्लास, यानी 2m + 1।
यह बात समझ गया यार, इसी को आगे चल के कहा गया इवेन नंबर। क्या कहा गया जल्दी बताओ, और इसको कहा गया ऑड नंबर। एक को कहा गया इवेन नंबर और दूसरे को क्या कहा गया, क्या बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब इसके दो के मल्टीपल में आपके पास कौन कौन क्लास आ गए, माइनस फोर, माइनस टू, जीरो, दो, चार, छ, बोलो। और ये वन के मल्टीपल, वन वाला रिमाइंडर में कौन कौन आ गया बताओ, माइनस थ्री, माइनस वन, वन, थ्री, फाइव, सेवन। यह बात समझ में आया। अभी हमारे पास दो विद्यार्थी थे, एक का नाम था राम और दूसरा का नाम था श्याम। अब हमारे पास इंटीजर्स तो यही है, इंटीजर्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब ये अगर आप वीडियो को देखते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि बेसिक आपका बहुत फिट हो जाएगा, एट क्लास की मैथमेटिक्स बहुत फिट हो जाएगा। आप तीन बच्चे आ रहे हैं, आगे तीन बच्चे आ गए, यानी हम तीन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या बचेगा, जीरो वन, यानी एक जीरो का क्लास होगा। बोलो इसमें तीन का मल्टीपल क्लास जीरो लिखेंगे। एक क्लास वन का होगा जिसमें हम थ्री एम प्लस वन लिखेंगे, एक क्लास टू का होगा जिसमें हम थ्री प्लस टू लिखेंगे। बोलो अब इसमें हमारे क्लास में कौन कौन आएंगे, ये जो भी आएंगे तीन के मल्टीपल वाले आएंगे, कौन आएंगे यहां पर, कौन आएंगे तीन के मल्टीपल से ज्यादा आएंगे, कौन कौन आ गए, माइनस फाइव, बोलो माइनस वन, फोर, बोलो सेवन। अब इसमें कौन कौन आएंगे, माइनस फोर, माइनस वन, टू और यहां फाइव, यहां भी। हम समझते हैं कि अच्छे ढंग से समझ गए, ये तीनों मिल जाएंगे तो हो जाएंगे कि नहीं, यही आगे चल के बोलता है पार्टीशन होता है। ये अगर किसी का फादर है और उनके तीन बच्चे हैं तो कैसे बांटा जाएगा सेपरेट सेपरेट, ये बात में आ गया। तो हम आप लोग का ये क्वेश्चन में डालते हैं, चार का बिगड़ा जाए, लेकिन अंदर से हमारा बार होगा सर चार से डिवाइड करो, चार से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या क्या बचेगा, क्या क्या बचेगा बोलो, जीरो, क्या बचेगा वन, टू, चार से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या क्या बचेगा, क्या क्या बचेगा, क्या चार का बना देंगे बोलो। अगर ये पांच का होता तो मेरे बोलो वीडियो को हाथ रोको और बोलो क्या क्या रिमाइंडर बचता, जीरो, वन, टू, थ्री, यानी इसमें चार क्लास होता है, इसमें पांच क्लास होता। और सोचो 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 अगर दस का होता तो क्या होता, समझ में आया नहीं आया, आया तो ये रिमाइंडर के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि नहीं जान चुके हैं, रिमाइंडर क्या होता है सब लोग सीख चुके हैं बोलो। तो महान गणितज्ञ जिनकी ज्योमेट्री का फादर लिखने वाले, अगर की बात करें तो श्रीमद् भागवत गीता से तेरह गुना बड़ा है, यानी एक खंड एक बार श्रीमद् भागवत गीता के बराबर है, और श्रीमद् भागवत गीता 18 अध्याय बहुत बढ़िया अध्याय होती है, और उससे बड़ा है उनका नाम है द एलिमेंट, क्या है, क्या है जिसे कहा जाता है पावर ऑफ ज्योमेट्री, कहा जाता है ये लो यूक्लिड, ये लो ये यूक्लिड का हेतु, उन्होंने कहा ये बी डिविजर है, ये है, यहां क्यू होगा, आर होगा, बोलो यस यस,
तो ए बराबर ए बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, आर इज दिस। बोलो यस या नो। अगर अंडर टेन क्लास के बाद करोगे अंडर तब कहा जाएगा ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी लेकिन सच सच क्या है के बारे में सीखो, से सीखो। सच यहाँ ये है ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव निगेटिव और जीरो भी यानी यह पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, जीरो होगा, ये भी पॉजिटिव निगेटिव जीरो होगा। बोलो यस या नो। लेकिन आर जो होगा वो हमेशा होल नंबर होगा, आर हमेशा होल नंबर होगा और ये हमेशा नेचुरल नंबर होगा। बोलो यस या नो। नहीं नहीं यहाँ पर डिवीजन का रियल कंसेप्ट है, डिवीजन का रियल कंसेप्ट सीखना है। आइए मेरे भाई बहनों, ये डिवीजन का हम लोग रियल कंसेप्ट को सीखे। जैसे 9 - 58 बोलो यानी 9 का क्लास यानी यह जीरो क्लास में आ सकता है, 1 क्लास में आ सकता है, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, 6, 7 and 8। यस सर, इनका पहाड़ा पढ़ना चालू करें। 9 - 7 जा -63। यस या नो। बोलो ऊपर से नीचे घटाते हैं मेरे भाई बहनों, यानी -58 + 63 कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा, यानी कौन सी क्लास में है? 5। और इससे डिफाइंड होता है सिक्स का नाम क्या डिफाइंड होता है फ्रैक्शनल पार्ट, क्या डिफाइंड होता है? तो रिमाइंडर को पहले लिखते हैं, डिविजन को बाद में लिखते हैं। दूसरा 5/9 इज अ फ्रैक्शनल पार्ट, 5/9 इज अ फ्रैक्शनल पार्ट। 0 से बड़ा या बराबर होगा और 1 से छोटा होगा। 0 से बड़ा या बराबर होगा तो 1 से क्या होगा? क्या सेनो इसको हम कुछ भी करते तो ऐसे पढ़ाता 9 - 7 का बोलो -63 + 5/9 इज इक्वल टू -58/9। यस या नो। यस सर। कभी कभी लोग जो ज्ञान नहीं होते हैं उनके जवान छोड़ देते हैं, उनकी डिवीजन नहीं आता है, मुझे खाते चुनते कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे पता? देखो बता दो, बता दो, ये 9 है, यहाँ -58 है, -6 वाले में लगाएंगे। बोलो यस सर। आइए हम -4 लिखते हैं। बोलो आइए लिखेंगे -6 - 4/9 और यदि माइनस और ये भी माइनस तो लिखे पड़ी। बोलो बोलो और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, कभी निगेटिव होता है? डिफरेंस बिटवीन लेसन नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट, लेसन नंबर निगेटिव हो सकता है। आप समझ से आए कि नहीं आया? अच्छे से आया?
नहीं आएगी। जब ये महाभारत का किया गया मुस्लिम भाई समझे आपको कहोगे एक बार जो हिंदू या मुस्लिम का है हमारे भाई इनको किसी ने बोल सकता वो सच्चाई नहीं हो सकता है तो ईद को ईद सारे नहीं और ये देश सारे और अब क्या होता है इस पर हम विचार करें। आइए देखते हैं यहां पर 40 52 है और ये 12 576 अब महान गणितज्ञ इनके अनुसार करना पड़ेगा। बोलो यासियानो इन्होंने कहा था स्टूडेंट रफ आइडिया जरूर पढ़ो। क्या करूं रफ आइडिया क्या करूं रफ आइडिया लेमा जानते हैं ए बराबर क्या होता है बच्चे बताओ बी क्यू प्लस ए जहां नंबर होता है बोलो यस या नो बी डिवीजन होता है क्यू कोशेंट होता है आर रिमाइंडर होता है बोलो बहुत अच्छा मेरे स्टूडेंट यानी 40 52 और यहां पर 12 576 यस या नो तीन बार में लगेगा ना कितना बार में लगा दे तकलीफ 3 times में लग गया कितने टाइम में कितने टाइम से लगा था बताओ लगा दे लॉक कर दे तो यहां पर 3 × 6 = 15 और 4 × 12 लग गया है यहां 0 3 यहाँ 420 से 40 52 अब कितने बार में लगेगा 9 बार में लगाया 9 × 18 = 36 ये 2 हो गया 272 इस 272 को फिर 420 एक बार में यहां 8 12 और ये 4 में से 158 बोलो 148 12 145 को दे दिया था ना 148 अब जगह थोड़ी सी है इसमें 148 को 272 से तो 2 बार में नहीं लगेगा एक बार में लगेगा 148 यहां 6 24 आ गया बोलो भाई ठीक है ना और यहाँ 2 में से 124 अब 124 को 148 कर दिया यहाँ पर भी 24 बोलो अभी 24 को 124 5 बार में 120 4 आ गया और 24 को 6 बार में काट दिया यानी यस या नो बोलो और बोले इसी को तुम लिख दो इसी को तुम
अब बताओ ए वाला में ए कौन है? बोला विद्यार्थी सर वन टू फाइव सेवन सिक्स। फिर बोले बी कौन है? फोर जीरो फाइव। क्यू कौन है? थ्री। रिमाइंडर कौन है? चार सौ। यस या नो? लिखने आ गया सब लोगों को? फिर बोले ए आ जाएगा यहां शिफ्ट कर। अब यहां पर चालीस बावन यहां आ गया। अब दूसरे वाला में बताओ क्या है? देखो दिख रहा है सब लोगों को? आंध्र आदमी को दिखेगा, आंध्र आदमी को दिखेगा, दिखेगा क्या हो गए जल्दी बताओ? 420 गुणे 9 27 आया। अगला कोड पकड़ाएगा जल्दी बताओ। ये वाला भी देखेंगे, ये 420 कैसे दिखाएगा? 272 इंटू 1 148। अगला ये वाला होगा यहां पर 272 148 1 और 124 यहां 148 ठीक, यहां 124 इंटू 1 प्लस 24 यहां पर 124 बोलो तो यहां पर तुम्हारे पास कितना हो गया? 24 इंटू 5 प्लस 4 अब यहां पर 24 आ गया बोलो 4 इंटू 6 प्लस 0 इसलिए एचसीएफ 4 हो गया। जो 0 कर देगा वही होगा बोलो। समझ में आया कैसे करना है? स्कूल में भी एग्जाम में भी कैसे करना है? क्लियर हो गया है? तो हम समझते हैं कि सारे स्टूडेंट ये मिनट लेवल को समझ चुके हैं बोलो। यस या नो? सब लोग समझ गया कि नहीं समझ गया? बना दिया कि नहीं बना दिया बोलो। अब हम क्वेश्चन आंसर भी करवा देते हैं क्योंकि एक भी क्वेश्चन हम लोग नहीं छोड़ेंगे चाहे वो कुछ भी क्वेश्चन हो बोलो। यस या नो? ये मैराथन क्लास चल रहा है यहाँ ध्यान देंगे आपको। मैराथन का मतलब ही होता है जब तक जैसे हमारे पास है इसी ढंग से आज हम लोग टेंथ क्लास आज के चैप्टर हम लोग आज अब हम लोग इसके ज्ञान से एक्सरसाइज 1.1 बनाने लायक। पहला क्वेश्चन कह रहा है यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। एचसीएफ निकालना है 435 एंड 225 का। हम समझते हैं कि सारे स्टूडेंट निकाल लेंगे। एलसीएम निकालना है 196 एंड 38 220 का। एलसीएम निकालना है 867 एंड 255। अगर मैं स्टूडेंट से पूछूं क्या आप ठीक कह रहे हैं कैसे बनाएंगे? पहला क्वेश्चन को करवा देते हैं बोलो यार। फर्स्ट क्वेश्चन 225 पहले 432 यहां एक बार में लगेगा 225 हो गया यहां 7 आ गया यही होगा। अब 207 से 225 को एक बार में ठीक। अब
18 से बोलो भाई, 18 बोलो, यहां क्या बच जाएगा? ठीक, अब एक बार में लग गया 9 आ गया, 9 को 18 से 9 to the 18। अब इसी को बढ़िया से लिख देना है, पहला कौन सा खाना लिखोगे? यहां 432 225 इंटू 1 प्लस 260। अगला हम लोग कौन सा पारी खेलेंगे? यहां 225 207 गुणी 1 प्लस 18। अगला ये पारी खेलेंगे। हमको लगता है सब लोग करने आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे डर से मत बोला यार, मैं बहुत हम समझते हैं कि इसने कोई विद्यार्थी गलती करके दिखाया। क्या करके दिखाई देगा? यहाँ 9 फिर आएगा कि नहीं आएगा? 0 बार लगेगा कि नहीं लगेगा? ये 9 एससीएफ हो गया कि नहीं? हम कहते हैं कि दम है तो भूल के दिखा या गलती करके। पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या सभी लोग से बन जाएगा? अरे बोलो भाई, सभी लोग से बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। अगर सभी स्टूडेंट से बढ़ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। नीचे नंबर ठीक भाई, तो अगर सभी स्टूडेंट से बन जाएगा तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं बनेगा तो सोचिए भाई। अब सोचो कि क्वेश्चन और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अरे भाई नंबर तो कोई नहीं आता, या इवन पूछे मैं क्या पूछे? क्या पूछेगा? इवन आओ, यानी अगला जो प्रश्न तुम्हारे पास आने वाला है, अगर इवन का डिफरेंशियल क्या बड़ा था कि कौन सी क्लास होनी चाहिए? 0 क्लास बोलो यार। और क्या क्या पढ़ा? 1 बोलो, पढ़ा था कि नहीं? अगर 0 है यानी यहां पर 2n प्लस 0 है यानी वह इवन है, और 2n प्लस 1 है इसका मतलब क्या? एजुकेशन से आगे स्किल होता है। अब विकसित करो, सोचो सोचो, ये 2 का मल्टीपल नहीं होता, 4 का मल्टीपल होता तो इवन फॉर्म में कैसे? अरे भाई 4 का मल्टीपल होता तो 4m प्लस 0 होता, यहां पर 4m प्लस 1 होता, यहां पर 4m प्लस 2 होता, और यहां पर 4m प्लस 3 होता। बोलो यह 0 क्लास में होता, ये भी 0 क्लास में होता, क्योंकि 2 से भाग देते थे रिमाइंडर 0, और इसको भी 2 से भाग देते थे रिमाइंडर 0, यानी यह खाना इवेंट का होता। यह खाना क्या होता? और ये वाला खाना क्या का होता, जल्दी बताओ? होता नहीं होता? ये भी क्लास 1 है, और 3 को भी हम भागा देंगे, एनसीईआरटी के दिमाग में आया और इवेंट समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 2 पता चलेगा। 6 से डिवाइड कितना? 6 से डिवाइड करेगा तो क्या करने में लगेगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा? बोलो। अब यहाँ पर 6m प्लस 0 होगा, 6m प्लस 1 होगा, 6m प्लस 2 होगा। हमेशा समझ लो, क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं पड़े, क्वेश्चन तुम जब चाहो है। बोलो ये इवेंट के कैटेगरी में है? Yes, है कि नहीं है? Yes, है कि नहीं है? Yes, ये 0 क्लास है? Yes, ये भी 0 क्लास है? Yes, 2 के आंसर? ये भी 0 क्लास है? बोलो यहां से है कि नहीं है? Yes, ये बता 1 क्लास है? Yes, ये भी 1 क्लास है? Yes, ये भी 1 क्लास है?
एनसीईआरटी में 14 ऑथर होते हैं, कितने ऑथर होते हैं जल्दी बताओ, कितने ऑथर होते हैं जल्दी बताओ, 40 कितने। अगर क्वेश्चन नंबर 2 सोचा होगा तो यहां 30 पर सोचा है, 30 पर सोचा है। आप लोग क्रिएटर्स को ऐसे क्यों देख रहे हैं, बोलो यार। तब बताओ क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, ऑड होगा कि इवन होगा, ऑड क्या होगा। अब हम लोग क्वेश्चन इसका क्रिएट करेंगे, इवन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ सुनना। सो दैट ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6 cube plus 1, 6 cube plus 3, 6 cube plus 5. तो हम चाहेंगे कि आप लोग सोचिए अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। ये सोचने का हम लोग आते हैं क्योंकि हम लोग बार बार नहीं देते, मौका एक बार देते हैं। सोचिए अगला क्वेश्चन है, सुनिए। यूजिंग इनफिनिट डिविजन लेमा शो दैट इस बार ऑफ आइदर या सोच ले भाई, ये मौका है सोचने का, मौका है। अगर 3 से हम भाग दें रिमाइंडर क्या क्या बचेगा, 3m + 0, 3m + 1 और 3m + 2। स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 9m² 6m + 1। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 9m² 3×6×1+4। यस सर, कौन से देखो मेरे भाई बहनों, ये तो 3 से कटे, यानी इसको तुम लिख सकता है 3m। देखो समय नहीं, यहां 3m कॉमन ले लिया, 3m + 2+1, यानी इसको हम 3m भी लिख सकते हैं, बोलो। गौर से देखो मेरे भाई बहनों, यहां 4 को हम 3+1 भी लिख सकते हैं, बोलो भाई। अब यहां 3 से कॉमन ले लिए तो 3m² और 4m + 1+1, इसको भी हम मल्टीपल कह सकते हैं, यानी 3m + 1, यानी स्क्वायर वही स्क्वायर या 3m का मल्टीपल होगा या 3m + 1 का मल्टीपल फॉर्म में होगा, बोलो या से आओ, या 3m फॉर्म में होगा या 3m + 1 के फॉर्म में होगा। यही क्वेश्चन नंबर 4 के आप लोग करने के लिए करेगा,
बोलो यार। यस सर। बोलो। यस सर। नहीं बोलेगा। अच्छा बोलो अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, बोलिए सर। अरे पूर्वा का जब एक पावर हुआ टू पावर हुआ यानी अगला प्रश्न मेरे भाई बहनों पूछेगा कि नेचुरल नंबर का जो क्यू होगा, नेचुरल नंबर का क्यू किस फॉर्मेट में होगा, तो गौर से देखो। यहां पर पेन चेंज कर देते हैं, थ्री एम या थ्री एम प्लस वन या थ्री एम प्लस टू, बोलो यहां से आलो। इसका क्यू करेगा ना, क्या मिलेगा 27 एम क्यू। इसका क्यू करेगा तो क्या मिलेगा 27 एम क्यू, बोलो बोलो 27 एम स्क्वायर प्लस 9 एम प्लस बोलो वन मिलेगा। इस साल 9 से कटा था, ये भी 9 से कटा था, यानी यहां 9m का मल्टीपल होगा, ये 9m प्लस 1 का मल्टीपल होगा। बोलो ना, नहीं बोलोगे इसका क्यों करोगे कि नहीं करोगे, बोलो करेंगे, बोलो करेंगे। यहाँ पर 27 एम क्यू बोलो, और यहाँ 9 अतिया 27 और दूना 54 यानी 54 एम स्क्वायर और 4 तिया 12 तिया 36 एम और यहाँ 8, ये सब 9 से कटने वाला है, 8 रिमाइंडर बचा। बोलो यस सर। समझ नहीं आया, ना आया, यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर का जो क्यू करेंगे वह जो फॉर्मेट लिखा जाएगा वह किस किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा यह बात सारे लोगों ने सीख चुका है। बोलो यस सर। बोलो किस किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा 9m बोलो या 9m का मल्टीपल प्लस 1 फिर 9m प्लस 8 तो इधर एक बार छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं। एक मिनट इनका लेमा साहब, क्योंकि जितना बड़ा क्वेश्चन करेंगे कम ही पाएंगे, क्योंकि कम पाएंगे तब तो ही काम काम कर पाएंगे, जितना कम पाएंगे उतना ही बेहतर है। बोलो यस सर। बोलो नहीं समझा। अब ये लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 जरा थोड़ा सा देखते हैं। एक इंसान के बाद 660 मेंबर है, कितना मेंबर है 660 और वो 4 आ रहा है कि क्या मैं निकलता क्या मैं और 32 निकालोगे। यहाँ पर ये 32 हो गया, ये 32 से 607 को देंगे कितना मन मिलेगा जल्दी बताओ। आया जो हो जाएगा ठीक है ना। अब बताओ कितने बार मिलाएगा, 9 बार मिला क्या, 9 बार मिला दिए 9 दुनिया 18
बोलो भाई। और नौ दिया 27 एक 28 8 बज गया और 8 35 को काट दिया अच्छा बोलो तेज बोलो यार करो यार यार को हमें कॉल बनाना पड़ेगा रुको रुको ना करो से कटेगा 13 3 39 6 3 18 5 3 15 3 1 4 6 4 10 फिर 3 से कटेगा यहाँ 3 इसको ऊपर कर देते हैं तो छोटा आ जाएगा आप यहाँ पर 4 3 12 बोलो भाई अब यहाँ 1 बचा 16 बचा ना
यहाँ पांच बार में है, अब पांच से कटेगा, यहाँ पर पांच से कटा, बोलो भाई, नौ पचे पैतालीस इक्यानवे हो गया, बोलो इक्यानवे में एक सात से कटेगा, एक तेरह से कटेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं, रेड पेन से दिख जाएगा, दो के गो है, एक गो दो गो तीन गो, बोलो यस या नो, तीन दो गो है, बोल भाई, पांच ए गो है, सात ए गो है, और तेरह भी ए गो है, तो दिक्कत है। अब यहां पर थोड़ा सा और ज्ञान तुम लोग को देना पड़ेगा, या करने आ गया। अब इस फैक्टर के माध्यम से हम लोग सीखेंगे, किस फैक्टर के माध्यम से, किसी फैक्टर के माध्यम से क्या सीखेंगे, क्या सीखेंगे, क्या सीखेंगे, क्या सीखेंगे, एलसीएम और चलिए, एलसीएम का मतलब और एसीएफ का मतलब, एलसीएम का मतलब होता है हाईएस्ट पावर और एसीएफ का मतलब होता है लोएस्ट पावर। क्या सीखेंगे जल्दी बताओ, एलसीएम और बोलो या सीएम नहीं सीखेंगे, क्या सीखेंगे, एलसीएम और आइए हम लोग देखते हैं कुछ यहां पर प्रश्न है एलसीएम में सब निकालने का और 12 15 21 12 15 21 क्या कर रहा है, आगे बोलो, यहां देखते रहो कि 12 हर बराना नहीं है बाबू, पंद्रह इक्कीस ठीक, यानी 12 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 3 के पावर 15 को लिख सकते हैं 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 ठीक, एलसीएम बराबर हाईएस्ट पावर कहा है, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, 5 का हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, और 7 का हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, ये एलसीएम हो गया। अब एसीएफ की हम बात करें तो लोएस्ट पावर, 2 का लोएस्ट पावर होता है, पहले बैलेंस कर लीजिए, एकरा में 2 ना है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 7 नहीं है, इसमें भी 7 नहीं है, और इसमें 5 नहीं है। अब समझ में आया, तो इसका लोएस्ट पावर बताइए, 2 सब में कॉमन नहीं है ना, तो 2 के पावर 0, 3 है सब में, है 3 के पावर क्या हो गया 1, 5 है सब में, 5 के पावर 0, 7 सब में है। अब यानी एलसीएम में से कैसे निकालना है सब में, तो समझ में आ गया, यानी क्योंकि जब तक मेरा आदत है जो करते हैं वो करते हैं, एक्सरसाइज 1.2 पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इज द नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, जैसे 140 को कर, यहां 2 हो गया, यहां 70 हो गया, यहां पर 2 हो गया, यहां 35 हो गया, यहां 5 हो गया, यहां 7 हो गया, प्रोडक्ट में लिखना है, बोलो लिख देगा कि नहीं,
दो गुने पांच गुने सात। बोलो सभी भाई बहनों को अच्छे से आ रहा है? रिपोर्ट 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 करो। 156 है यहाँ पर, 156 है, दो से कट किया, यहाँ सात, यहाँ आठ, फिर दो से कट किया। बोलो भाई, तो तीन, यहाँ नौ, फिर तीन से कट किया, यहाँ तेरह, यानी तीन गुने तेरह। अगली प्रश्न आपका एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन 38-25 है यहाँ पर। 38-25 का आप देखेंगे, दो सौ नहीं कट रहा है भाई, आठ तीन ग्यारह, तेरह पांच ग्यारह, तीन से कट रहा है, यहाँ तीन से काटेंगे तो यहाँ तीन से कट गया, तीन लेगा तीन, तीन गुना छह, तीन सौ इक्कीस, बोल नहीं, और तीन पचे पंद्रह, दो एक तीन, सात तीन दस, पांच पंद्रह, फिर तीन से कट रहा है, तीन सौ को बारह, पच्चीस या पचहत्तर, अब नहीं कट रहा है, पांच से कट रहा है, पानी आठ चालीस, और पच पचे पच्चीस, अब पांच से कट रहा है, यहाँ सत्रह, यानी इसको आप लिख सकते हैं तीन गुने पांच गुने पांच गुने सत्रह। अगली प्रश्न, ये दो प्रश्न आप लोग के लिए मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि आप लोग केवल बैठे हुए रहेंगे, सुंदरता बात नहीं है, इसे बना करके आप जरूर भेजेंगे, समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर ये हो चुका है। अब हम बात करेंगे एलसीएम एचसीएम, और यहां पर एक फॉर्मूला आपको विकसित करना है, वह क्या विकसित करना है, ये समझना है कि एलसीएम इंटू एचसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यहां पर तुम लोग से हम विचार विमर्श करेंगे, और विचार विमर्श कर करके तुम लोग को हम बताना चाहेंगे कि यह केवल एजुकेशन है या क्या है। अब बोलो क्यों एजुकेशन, क्यों बोलो, क्योंकि यहां पर दो ही नंबर का चर्चा किया है, यानी यह प्रश्न कह रहा है कि एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ एचसीएम ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू पी एंड क्यू, यस या नो? लेकिन प्रश्न ये उठता है, यह पी क्यू आर क्या होता, तब इसको हम कैसे, समझिए बोलो यार, तो यहां पर कैसे बनाते हैं ये माना जरूरी है, क्योंकि यहां पर लॉजिक नहीं था, क्योंकि हम बहुत सारा लोगों को देखा कि एलसीएम और पी क्यू बराबर बता दिया कि पी इंटू क्यू होता है और एचसीएम पी क्यू, और एलसीएम और पी क्यू के बारे में बता दिया कि पी इंटू क्यू होता है और एलसीएम पी क्यू, या बात मान बोलो क्या नाम आपने सुनाई है, कि रहेगा इन रहेगा कैसे, या आपको सीखना यहां पर जरूरी है,
यस सर सर बोलो क्या सीखना है जो काम अगर ये सीख जाएंगे तब ना हम लोग होगा अगर मैं कहूँ तो देखो यहाँ पर तीन वर्ण में तुम्हारे पास क्या होगा या बात को समझो एलसीएम ऑफ पीक्यूआर बराबर पहले पीक्यूआर कर दो यानी प्रोडक्ट कर दो पीक्यूआर का क्या कर दो और एसीएम पी क्यू आर एसीएम क्या कर दो यहां तक सब लोग समझ गया कि नहीं समझा अब भाई दो दो का बना एसीएम ऑफ पी क्यू मल्टीप्लाई एसीएफ ऑफ पी आर मल्टीप्लाई एसीएफ ऑफ क्यू आर अब बताओ एसीएफ निकालना रहेगा तो अपने से तुम लोग कर दोगे कि नहीं कर दोगे बोल भाई क्या कहोगे पी क्यू यहां एलसीएम हो जाएगा बोलो पी क्यू आर का अब भाई यहां क्या हो जाएगा जल्दी बताओ एलसीएम पी क्यू और एलसीएम पी आर बोलो और एलसीएम क्यू आर होगा कि नहीं होगा है करने आ गया नहीं आया अब बताओ चार कर देगा तो तुम्हें कर देगा कि नहीं कर देगा पांच करेगा तो कर नहीं कर देगा बोल भाई कर देगा कि नहीं कर देगा तो आइए हम लोग देखते हैं इस पर एक्सरसाइज की क्वेश्चन को और फिर हम लोग कंटिन्यू जब तक ये समाप्त नहीं होगा तब तक ये कंटिन्यू चलते रहेगा क्योंकि समय से करना हम लोग को जरूरी होता है तो क्वेश्चन नंबर टू आइए देखते हैं 26 and 91 है यानी 26 को पहले फैक्टर के रूप में 2 into 1 13 के पावर 1 लिख सकते हैं ओ भला एलसीएम का मतलब हाईएस्ट पावर 2 के पावर 1 7 के पावर 1 and 13 के पावर 1 यानी 63 91 91 2 182 हाथी पर दे और एलसीएम दोनों में कॉमन 13 चेक करना है कि एलसीएम इंटू एसीएफ बराबर नंबर है 26 into 91 यस या नो एलसीएम आपका 182 है ये 13 है 26 and 91 है बराबर देखते हैं तू कट जाए 13 × 26 ओ दो बार में दो दो कट गया एक बराबर क्लियर है क्लियर है बोलो अब हमने एक प्रश्न और देते हैं एक प्रश्न और दे देंगे तो और गंभीरता से आपको क्लियर हो जाएंगे क्योंकि मेरा एक ही मकसद है अगर कोई वीडियो देख रहा है नेट पर उसकी खर्च हो रही है मैक्सिमम से सीखे अपने सीखे अपने लोगों के बीच में शेयर करने का प्रयास करें कि 510 है 510 को ऐसे भी आप कर सकते हैं फटाफट बात वही होगी दो चार दो पच्चीस दस 5 × 7 = 3 से कटेगा 8 × 24 यही होगा 5 से कटेगा आ गया इसी ढंग से यहाँ पर 92 का ये 2 से बोलो भाई कितना बार कट गया हो गया यानी 510 को 2 के पावर
तीन पांच सत्रह तिरानवे दो दो तेईस यहाँ एलसीएम अब हम निकालेंगे तो दो का यहाँ पर दो बोलो सर मैराथन ले रहे हैं बोलिए क्या काम है हेलो एलसीएम यहाँ दो के पावर दो तीन के पावर एक पांच के पावर एक सत्रह के पावर एक तेईस के पावर एक और एचसीएल की बात करेंगे तो दोनों में कॉमन कौन है केवल दो कॉमन है और कोई नहीं कॉमन है बोलिए सर रिपोर्ट ले लीजिए अभी क्लास से मुझे कुछ ज्यादा फर्क चलेगा बैठने में यहां पर एक आदमी आ गया है बोलिए सर अगला प्रश्न अगर आपका है क्वेश्चन नंबर तीन की हम बात करें तो एलसीएम एस एल वही आता है तीन वाला भी हो जाएगा और तीन वाला का भी फॉर्मूला भी सिखाते हैं वो चेक करते हैं प्रश्न में क्या क्या होगा आइए देखते हैं एक प्रश्न को चेक कर देते हैं कि आपका फॉर्मूला सही है या सही तो क्वेश्चन नंबर तीन यहां पर बारह पंद्रह इक्कीस यहां पर अगर हम बारह का देखें दो के पावर दो तीन के पावर एक पंद्रह का देखें तीन के पावर एक पांच के पावर एक इक्कीस का देखें तीन के पावर एक सात के पावर इसको बैलेंस कर दे नाराज मत रहिए छपरी बचाने लगते हैं अरे अभी क्या होने वाला है अभी 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 यहां देखिए ये होने वाला है ना आपको हम फॉर्मूला बताएंगे फॉर्मूला बताए उसका यूज भी कर रहे हैं एलसीएम एलसीएम क्या पर हम बात करें तो यहां दो के पावर दो तीन के पावर एक पांच के पावर एक और सात के पावर एक एलसीएम है यानी गुना कर दे तो चार तिहाई बारह पांच साठ चार सौ बीस एलसीएम है एचसीएफ की बात करें एचसीएफ की बात करें केवल तीन है सब में कॉमन केवल क्या है इससे काम नहीं चलेगा सर बोलो क्यों रेड पेन उठाइए सर और बताइए दो ये दो ये दोनों में एलसीएम क्या है एलसीएम 12 15 का क्या है अगर 12 15 के एलसीएम की हम बात करें तो यहां पर पांच तिहाई 15 चौका 60 है बोलो यस या नो एलसीएम की बात करो सर 12 15 का वही तीन है हो गया अब इसमें बात करो सर एलसीएम का एलसीएम ऑफ 15-21 तो 15-21 का एलसीएम की हम बात करेंगे तो यहां पर 7-5-35 की आप जोतल से 105 हो जाएगा यस या नो एलसीएम की बात करेंगे 15-21 का तो यहां पर तीन ही होगा बोलो असा नहीं तीन होगा हो गया अब एक और करना होगा इधर एलसीएम 12-21 का तो 12-21 का हम बात करें तो तीन कॉमन है सात चार तिहाई 12-7=84 यानी 12-21 का एलसीएम 84 और एचसीएफ
बारह इक्कीस का तीन, बोलो यस या नो। अब फॉर्मूला पर हम रखते हैं, बोलो भाई सब ठीक ठाक ना, सब ठीक ठाक चल रहा है। अब एलसीएम ऑफ बारह पंद्रह इक्कीस, यहां पर बताए थे कि बारह गुने पंद्रह गुने इक्कीस करेंगे इनटू एलसीएफ, बोलो भाई बटे एलसीएफ। एलसीएफ इसका कितना है? तीन। इसका कितना है? तीन। इसका कितना है? तीन। बोलो भाई तीन से तीन का हो गया, कट गया यह तीन, इसको काट दिया ना चार बार में, यह तीन इसको काट दिया पांच बार में, गुणा कर दो चार पचे बीस, इक्कीस चार सौ बीस। समझ में आया नहीं आया? अगर एसीएफ की हम बात करें तो 12 गुने 15 गुने 21 और एलसीएम है 420, बोलो भाई नीचे एलसीएम रखेंगे तो पहला 60 है, फिर 105 है और फिर 84 है, बोलो भाई सब कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? तीन। इससे साबित हो गया। अब तुम लोग ये तो पढ़ाई किया तो सब सब होता क्या? तीन वाला सब फॉर्मूला सिखाए थे, दो वाला सिखा के निकालते होंगे। तो अब एजुकेशन और स्किल में क्या अंतर है यह जानना बिल्कुल जरूरी है। जो स्टूडेंट यह चीज को नहीं जानता उसको आगे चल के तकलीफ हो, समझ गया ना? जैसे ये नहीं आपको आ गया चैप्टर पढ़ा दिया गया भाई, ये वीडियो देखने के बाद ये सारी हो जाना चाहिए कि आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं। अल्लाह का नाम है बंद होगा चैप्टर होगा जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर देंगे, ये हमारे अंदर जो कोई लोग कहते हैं और उसको फिर मैं टेस्ट भी चला दूंगा तो टेस्ट को बन जाते हैं, उनको 100% आने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि रोकने वाला इंसान कौन हो सकता है? जो हमारे पास सब्जेक्ट क्लियर है उसको कोई रोक नहीं सकता। सब्जेक्ट नहीं क्लियर है तो तुम्हारी बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर चार इससे कैंसिल की बात आई क्या गया है। अब देखो यार एक बात जीवों के बारे में, लास्ट जीव, लास्ट जीव कौन था? ये क्लियर बात है कि वह मल्टीपल किसका होता दस, और दस बनता कैसे? दस बनता है दो और पांच, यानी अगर दो होगा और पांच होगा तो दस बनेगा। बोलो यार क्या इस सिक्स के पावर एट करेंगे तो कभी दस बनेगा? बनेगा बोलो, नहीं बनेगा। इसको देखो मैं हंसी मजाक में देखो, इसको कहा जाता है लड़की या इसको कह दो माँ या इसको कह दो पापा। अरे माँ पापा सटेंगे तब ना बेटा या बेटी का निर्माण होगा, पापा पापा को सटा दो तो क्या हो जाएगा कुछ? मम्मी मम्मी को सटा दो कुछ हो जाएगा? यानी क्वेश्चन नंबर टू हर एक बात पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्वेश्चन करना है कि सिक्स के पावर एन कभी जीरो नहीं देगा, क्या जीरो कभी देगा? अरे क्या जीरो कभी देगा? बोलो तो देंगे जीरो कभी, समझ में आ रहा? क्या फोर के पावर एन दे देगा? बोलो टू के पावर एन दे देगा, एट के पावर एन दे देगा, थ्री के पावर एन दे देगा, फाइव के पावर एन दे देगा? बैठता है ये चैप्टर पढ़ा दिए तो
चैप्टर आपको डरे करने सब लोग आ गया। एक और क्वेश्चन आ रहा है कि प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर क्या है? अरे जो कट गया बड़ा है यहां पर बोलो ऐसे कट गया क्या हो गया? टाइम कॉमन लिया गया, दोनों में से कॉमन लिया गया। कॉमन एलडीएम आ गया और ये लिया गया कैसे हो गया? आगे ये क्लास आपके पास वो एलसीएम ऐसे आता है जो आपको जानने गया है। अब हम बात करेंगे जो जिसके लिए हम तुम्हें 1.2 चैप्टर सभी लोगों को आ गया है। अब हम चैप्टर की बात करेंगे 1.3 रियल नंबर को रियल नंबर। देखो एक अर्थ होता है वास्तविक, क्या होता है वास्तविक, क्या होता है वास्तविक। वास्तविक दो टाइप का होगा, एक को मेजरमेंट करोगे दूसरे को मेजरमेंट, अगर जिसका मेजरमेंट कर दिया मापा गया इसी को कहा गया परिमेय संख्या। क्या कहा गया? क्या कहा गया? क्या कहा गया? अरे रेशनल नंबर जी, कौन सा नंबर? और जिसको नहीं किया गया वो क्या हो गया? समझ में आया? एक रेशनल हो गया दूसरा, एक रेशनल हो गया दूसरा, समझ में आया? ऐसे ठेठ भाषा में कहा गया कि P upon Q के फॉर्म में हो, Q not equal zero हो, वह रेशनल, और जिसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं वह इरेशनल हो। यह बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। अब यहाँ पर तुम्हारे पास रेशनल और इरेशनल दोनों सी है? नहीं नहीं बोलो नहीं। अब यहाँ पर एक थ्योरम पेश करेंगे जो कि अगर हुआ या यहाँ पर एक थ्योरम है कि P एक प्राइम नंबर, P प्राइम नंबर है तो P को डिवाइड करके स्क्वायर करेगा वो भी क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। P प्राइम नंबर है और वह A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो A को डिवाइड करेगा। या थ्योरम तुम्हारे दिमाग में सेट करना है, जैसे ये 15 है, क्या है ये 15 के स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया? अब यार 3 से कट रहा है कि नहीं? कट रहा है। अब इसका स्क्वायर करोगे तब भी वो 3 से कटेगा कि नहीं? समझ में आया? या 5 से कट रहा है कि नहीं? इसका स्क्वायर करोगे तभी कट रहा है कि नहीं? नहीं आया। यानी थ्योरम कहता है कि अगर ए स्क्वायर वो प्राइम नंबर पी काटती है तो वह ए को भी पी काटेगी, ए को भी पी काटेगी। समझ में आया? ऐसे है कि पी ए प्राइम नंबर है, पी ए क्या है? अगर यह ए स्क्वायर को डिवाइड करती है, स्क्वायर को डिवाइड करती है तो ए को भी डिवाइड करेगी, ए को भी डिवाइड करेगी। यह बात सत्य है? मान लिए बोलो कबूल है? कबूल है, ठीक। समझ में आया? नहीं आया? क्योंकि यही थ्योरम का हम यूज करेंगे। यही थ्योरम का क्या करेंगे? पहला प्रश्न है 2 इज इरेशनल नंबर,
टू टू एट कौन सा नंबर है जल्दी बताओ इसको प्रूफ करो बोलो यस या नो रूट टू को आर बाई एस मान लिया दोनों तरफ स्क्वायर कर दो क्या कर दो क्या मिलेगा टू बराबर आर एस स्क्वायर बोलो यस या नो मिलेगा कि नहीं मिलेगा यानी आर स्क्वायर इसका टू टू एस स्क्वायर हुआ कि नहीं यह बात समझ में आया कि नहीं बोलो नहीं आया बोलो आया नहीं यानी यहाँ पर टू एक प्राइम नंबर है टू एक ये आर स्क्वायर को काट देगी आर स्क्वायर को अरे भैया मेरे भैया आर स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू एस स्क्वायर है यानी टू भी इसको काट रही है एस स्क्वायर भी काट रही है बोलो यस या नो नहीं आया यानी अगर टू आर स्क्वायर को काट रही है टू आर को भी काटेगी बोलो यस या नो अब मार्केट में फंदा होगा पीछे आर स्क्वायर इसका टू फोर एम स्क्वायर होगा कि नहीं आइए आर स्क्वायर बराबर पहले से क्या पढ़ा था टू एस स्क्वायर आर स्क्वायर के जगह पर फोर एम स्क्वायर लिख देगा यहाँ पर टू एस स्क्वायर हो जाएगा एसीएफ टू हो गया लेकिन प्राइम नंबर में डिफिनेशन ये भी पढ़ा और क्यू नॉट इक्वल जीरो होता है और पी और क्यू का एसीएफ वन होता है एसीएफ यहाँ पर एसीएफ क्या है गौर से देखो यहाँ पर एसीएफ क्या है गौर से देखो बोलो भाई एसीएफ क्या चुप है ऐसे क्या है इसमें हमारा मानना गलत है हमारा मानना गलत है यानी टू रेशन नहीं है टू रेशन नहीं है टू क्या है ई रेशन क्या है ई रेशन क्या है ई रेशन क्या है ई रेशन अब यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर हम बात करेंगे आप लोग अपने से रूट टू को रूट थ्री को रूट फाइव को रूट सेवन को सब लोग कर लेंगे क्या कर लेंगे नहीं कर लेंगे बोलो यस या नो अब हमारे पास ओपस का स्टेटमेंट आएगा एक हाथ में रेशनल है और एक हाथ में इरेशनल रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर यानी का हो जाएगा माइनस भी करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड भी करेंगे तो क्या हो जाएगा सबट्रैक्ट भी करेंगे तो क्या हो जाएगा समझ में आया कि नहीं यानी एडिशन करो सबट्रैक्शन करो मल्टीप्लिकेशन करो डिवीजन करो क्या क्या करो जल्दी बताओ एडिशन करो सबट्रैक्शन करो मल्टीप्लिकेशन करो ये सभी केसेस में क्या हो जाएगा
सभी कैसे से क्या हो जाएगा? आपसे कोई पूछेगा, आपसे कोई पूछेगा कि 2 + √3 क्या होगा? इरेशनल। आपसे पूछेगा 2 - √3 क्या हो जाएगा? 2 √3 पूछेगा, 2 by √3 पूछेगा। यानी कि आप तुम्हारे पास 1.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होने वाला है और एक्सरसाइज में ठानूंगा, क्योंकि हमारी आदत है कि जो चीज को मैं ठानता हूं उसको मैं करता हूं, बसरते स्टूडेंट में दम होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। √5 है, बोलो कर देगा कि नहीं कर देगा? क्या करेंगे? √5 एक रेशनल नंबर है, क्या मानोगे? इसका यानी ए और बी का HCF 1, यानी ये भी कह सकते हैं कि ए और बी को प्राइम नंबर है। यस या नो? यस। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे 5 तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। A² = 5B² हो जाएगा। इसको रिक्टेंगल बनाओगे तब एग्जाम में दिखेगा, एग्जाम में तब दिखेगा, तो इसको रिक्टेंगल बना दोगे। अब कहोगे एग्जाम देखो ये A² 5 भी काट रहा है और B² भी काट रहा है, बोलो यस या नो? अब इसको लॉजिक दोगे कि अगर A² को 5 काट रहा है, आई ए को भी 5 काटेगा, यहाँ एल नहीं लिखना, एल कितना ए और बी है, ए और बी है, समझ नहीं है, सी है, यानी ए बराबर क्या लिखोगे? यह बात समझ में आया कि नहीं? अच्छे से आया? एकदम अच्छे से। 5 से लिख दिया। अब A² बराबर 5×25 C² होगा कि नहीं? A² बराबर 5B² पढ़ा था कि नहीं? अब यहाँ पर 25C² = 5B² हुआ कि नहीं? इसका HCF 5 हुआ कि नहीं? यानी जो हम माने थे वो गड़बड़ है कि नहीं? कर गया कि नहीं? यानी √5 को हुआ इरेशनल नंबर हुआ कि नहीं? आप समझ में आ गया? ये आप हमने भगवान जो हमको जन्म दिया धरती पर, हमारा जो धरती माता का जो कर्म है कि हमसे जितना बने लोगों को गणित सिखाते तब हम अपनी धरती माता की कर्म वसूल करेंगे, इसलिए आप लोग इसमें सहयोग करें, लोगों के बीच में इसको भेजें कि पहली यहाँ पर हमारी वीडियो होगी जो एक चैप्टर का एक बार पूरे क्वेश्चन के साथ लॉजिक के साथ। अब क्वेश्चन नंबर टू में अब हमारे विद्यार्थी अब बताओ जी ये इरेशनल है, ये क्या है? इतना सारे मल्टीप्लाई हो गया इरेशनल, अब झुकने से भी मजा आया नहीं? अच्छा,
क्वेश्चन नंबर थ्री इज वन बाई रूट टू है ना, इस समझ ला। सेवन रूट फाइव है, सिक्स प्लस रूट टू है, आया कि नहीं आया, काहे है नहीं समझा। ये है इरेशनल, ये है सब सीधा सीधा है, इरेशनल डिवाइड में इरेशनल, इरेशनल होगा है नहीं, ये भी इरेशनल होगा कि नहीं, ये भी इरेशनल होगा कि नहीं। तो हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग फिर बोल के बैठे हैं, आइए आते हैं, अब हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे टर्मिनेटिव और नॉन टर्मिनेटिव का, किसी बात करेंगे टर्मिनेटिव। चलिए हम देखते हैं कि हर बात नहीं है, कुछ लोग सामने खा लेते हैं और करते हैं। अब यहां पर दो रेशनल नंबर आया, रेशनल नंबर को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इसे फॉर्म में लिखा ना, और क्यू नॉट इक्वल जीरो। मैं घर आ रहा था, मेरे ऊपर वाली एक लेडी अपने बच्चे को उठाई ला रही थी, हमारी मैं नीचे का कुछ सुनी है, ये बिहार में नहीं है, बिहार में क्या होता है कि बच्चा होएगा तो दूध पिलाएगा, दूध पिलाएगा बच्चा शांत हो जाएगा, अरे वो मर है शांत हो जाएगा, जब रेडी होने के लिए जीव का जो वैल्यू होना चाहिए वाह टू के पावर। रुक यहां पर, बर्बाद कोई पढ़ने आप सुनने क्यों मिलने वाला है। अरे भाई क्यू अगर टू के पावर या फाइव के पावर में लिखा जाए, एक बच्चा को दूध पिला देखो, दूध पिला दूध पिला बच्चा को दूध पिला देखो, बोलो देखो देखो देखो, अरे दूध पीने के बाद वो क्या फायदा होगा, दूध पीते कैसे होगा, दूध उस बच्चा का रोएगा, यानी वो शांत हो गया, क्या हो गया, इसी को इंग्लिश में बोलता है टर्मिनेटिंग, क्या बोलता है टर्मिनेटिंग, समझ में आया, बच्चा के दूध का एंड लाया गया, क्या बोलेगा, रोएगा ना, अगर नहीं लिखा गया तो क्या हो जाएगा, आसान यानी नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले बहुत कुछ देखना है, आइए कुछ क्वेश्चन है तो हम लोग देखते हैं टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट का, आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, हर बनाइएगा नहीं, मात्र 10 प्रश्न है। एक बार विद्यार्थी रोने लगा, हमने रोते कहे जी, अब आपका दूध पीने का उम्र नहीं रहा है, बोलो बच्चा कब रोता है जल्दी बताओ, जब दूध दूध किसको कहते हैं जल्दी बताओ, है दू और पांच को, दू भी होना चाहिए और पांच भी होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए जल्दी बताओ, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, कृष्ण भगवान
So they say, I start with you there, I start with you there. उसको समझ में नहीं आया कि जिनका नाम अनंत हो उनको तुम अंत कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इसी बहाने हम लोग कृष्ण भगवान का एक बार पुनः फिर से नाम जय श्री कृष्ण। देखिए नाम आप लोग नहीं लिए, काजी नाराज है, है? अच्छा ये सोच रहे होंगे, अरे भाई अब सोचो, वह श्री कृष्ण भगवान जो अर्जुन को गीता ज्ञान वो कैसे दिए होंगे, एक सांस में देते चले गए, समझाते चले गए, लोग समझते चला गया और अंत में अर्जुन बोला अब तो मैं युद्ध करूंगा, आप जो बोलेंगे वही करके नीचे वाला के ठीक है ना। हरा पेन से मैथमेटिक्स की दुनिया में पहला 31-25, 2 के पावर 0 और 5 के पावर 5 लिख सकते हैं ना होल को, हर पांचवा दूध पी रहा है ना, बोले बोले साफ है ना। तो किसी डकारी ने यहां गौर से देखो पी रहा है ना, बोलो बोलो यहां गौर से देखो, दो पांच आया दो पांच ओकरा नामे भी कोई नाम लिया है, अरे 455 है ना, इसमें 3 भी नहीं 3 नहीं 5 से कटा 9 5 45 यानी 5×7×13 आया है, बोलो यस सर, जवाहर न है वो, तो ये नॉन टर्मिनेट ना होगा, बोलो 2 के पावर 6 5 के पावर 2 जहर ठीक है ना, लिख लीजिए ना, आइए करा लावे जहरवा ना दे दे मुझी दूध ना भाई अब यहाँ देखो 7 के पावर 3 है, ये तो 5वां ठीक है, अभी 5वां रोएंगे ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग ना है, आप बताओ ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, 3 आ गई है, बोला आई ठीक है ना, 5वां शांत है, यहाँ 2×3×7 5 होगी ना, 210 है 3 15 से 75 से 2×3×5×7 ठीक, ये भी नहीं हो। अब प्रश्न तुमसे पूछेगा कि बच्चा कितना देने का शांत है, जैसा किनार बिल्कुल कहेगा, इसमें कब तक पीते रहे, कब तक पीते रहे, 5 के पावर 5 है, यानी आप दशमलव के 5 अंक तक, कितने अंक तक जल्दी बताओ, 5 मिनट तक या शांत रहेगा, बोलो यहां से आगे, उसके बाद पीते पीते सो जाएगा, क्या कर जाएगा, सो जाएगा, सो जाएगा,
क्या कर जाएगा? हो जाएगा। क्या कर जाएगा? हो जाएगा। समझ में आया? नहीं 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 के बाद में बोल दो सर द्वारा। ये कितने दिन के पास हुए ना? तीन अंक के बाद बोलो भाई। ये तो सोएगा ही नहीं। ये कितने दिन के पास सोएगा? छो मैक्सिमम सोएगा। ये तो सोएगा ही नहीं। ये दो अंक के पास सो जाएगा। ये भी नहीं सोएगा। यहाँ ही सोएगा। ये सोएगा के अंक के पास सोएगा। हो गया। यानी इससे डिविजन निकाला जा सकता है। इसको 50 से भागा देना है। कैसे करना है? एक और दो एक और पांच कट गया। नहीं, इसको दो से गुणा करना है। दो से काय गुणा करना है। समझ में आया? आप बताओ दोनों बराबर हो गए ना? हो। अब बोलो ना यार। यस सर। तो 35 × 70 हुआ। यस सर। दो अंक के बाद सब लोग बैठेगा। पहले तो लोग क्या करता था? 50 / 35 यहाँ पॉइंट बैठाएंगे तो 0 आएगा। अभी 7 बार में 350 यहाँ 0 रखा। बोला यही ना करता था? ऐसा करना। आओ मेरे भाई बहनों, इसको हम भागा देंगे। बोलो कौन ज्यादा है? दो के पावर ज्यादा है। यहाँ दो है, यहाँ दो है। यानी 5 / 4 से ऊपर गुना होगा, 5 / 4 से नीचे बराबर हो गया ना? यानी 625 × 15 625 × 15 = 75 हाथ में 7 × 50 15 × 30 37 15 × 6 90 3 93 बोलो यहाँ से कितना चाहिए? 6। कितना चाहिए? 6। कितना चाहिए? 6। है कितना? 7। तो दो अंक और यहाँ पर कर देंगे। बोलो यहाँ से आनो आया कि नहीं आया? नहीं आया। बोलो कर देगा? आया। अब हम लोग बात करते हैं करने की में कोई भी विद्यार्थी नहीं फंसेंगे कि फंसेंगे? रेशनल इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करते हैं आइए, ये 9th class में भी पढ़ना था कि कौन रेशनल है, कौन इरेशनल है। बोलो यस सर। यस सर। दो नंबर के बीच में अगर रेशनल नंबर निकालना है, जैसे सपोज करो 1/3 है 1/3, तो पहले तो प्रश्न पूछो कि कितना निकालना है। पहले प्रश्न क्या पूछो? पहले प्रश्न क्या पूछो? कितना निकालना है? अगर मान ली कि 5 को निकालना है, ये को, तो दोनों का पहले एलसीएम ले लिया, 6 हो गया। 6 बनाने के लिए इसको कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से। इसको 6 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से। और 5 को निकालना है, 5 को, तो 5 × 10 6 × 5 ठीक है। बोलो। और 5 × 3 15 और 6 × 5 समझ में आया? लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, कल मैंने प्रश्न पूछा 1 × 3 = 10। बोलो
जितना नंबर पूछेगा उससे एक ज्यादा बार गुना, कितना बार? क्या तीसरा से चार गो निकलेगा? एक ज्यादा गुना कर दिया तो छह से गुना करेगा, तो छ गुना छ निकला के क्या निकला? यहाँ 13/36, 14/36, 15/36, 16/36, 17/36 निकला नहीं निकला? निकला नहीं निकला? निकला नहीं निकला? निकला। और हमारा अगर स्टूडेंट अब है वन बाई थ्री को 0.33 लिख सकते हैं, 1/2 को 0.50 लिख सकते हैं। बोलिए मेजर करना है, पहला नंबर हुआ क्या? और आगे करना है हुआ क्या? अब देखो तुम लिख दो 0.3 को 1/2 double 1/2 triple 1/2 4/1/2 5/1/2 अब बात होती है थोड़ा सा भी और चलेगा कि अगर कोई बेटा दीपित हो गया तो उसको बोलते हैं बस कुछ ही देर समाप्त हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम जानते हैं तुम लोग थकने वाला इंसान ये ऐसे है, इसको सब्जेक्ट भी निकालो, एन से मल्टीप्लाई करो। पहले एक्स को क्या लिख सकते हो? एक्स 2+0.3 पर एक रिंग लिख सकते हो, यानी 0.3 पर एक रिंग इक्वल टू एक्स माइनस 2 लिख सकते हो। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10x हो जाएगा, 23+0.3 पर एक रिंग हो गया, यहाँ पर 10x हो गया, 23.3 पर एक रिंग को एक्स माइनस 2 लिख सकते हो। बोलो ये एक्स इधर आ जाएगा, 23-2 9x इक्वल टू 21, एक्स बराबर 21/9 कट जाएगा 7/3। बोलो इसको गौर से देखो, एक ट्रिक पता चलेगा। क्या पता चला देखो, जो नंबर था वो नंबर को लिख दिया गया, जिस पर रेकरिंग नहीं था उसको घटा दिया गया, और जितना पर रेकरिंग था उतना नौ लिखा गया। बोलो यहां से आओ, बोलो जल्दी बनाओ, जल्दी बताओ, x बराबर 5.9 पर रेकरिंग है, बोलो क्या होगा? यहां 59 लिखोगे, माइनस 9 लिखोगे, फिर 9 लिख दोगे, बोलो 63/9 54/9 6 बार में आ गया। अरे सच है कि 9 में रेकरिंग नहीं आएगा, क्यों नहीं लगता? क्योंकि 0.99999 का मतलब होता है, क्या होता है समझ में आया? नहीं कैसे? देखो 2.8 पर एक रिंग है, जल्दी बताओ कैसे होगा? 28-2/9 बराबर 36/9 करने आया? नहीं आया। आर्य समाज से पूछो, ये छह
छह से कभी इसको तुम लिख सकते हो, इससे तो हम ये लिख सकते हैं। अरे नौ को छब्बीस से भागा दोगे तो नौ दुनिया अठारह होगा, नौवा आठ बहत्तर होगा, फिर नौवा आठ बहत्तर होगा, इससे ये लिखा जा रहा है या इससे ये लिखा जाएगा, उसको नहीं निकलेगा, नौ को नहीं निकलेगा, उसको कोई ना चाहिए, कुछ नहीं करना है, अब लॉजिक क्लियर हो गया। टू थ्री नाइन लिख देना है, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देना है, जितना पर रेकरिंग है उतना नौ लिखना है, फिर तुम छठ पड़ा रहा है दशमलव के बाद वैसा है जिस पर रेकरिंग नहीं होता, जीरो लिखा है, बोलो यस या नो, कि पूछो क्यों लिखे, पूछो क्यों लिखे, अब वो सब्जेक्ट में देखो, सब्जेक्ट में देखो इधर और उधर को बने, मैथमेटिक्स दुनिया में फर्कना नहीं है दोस्तों, बोलो यस या नो। सबसे पहले इसको 10 से गुणा करना पड़ेगा, कैसे गुणा करेंगे, 10 से लेकिन तो पास जाते हैं, ठीक है, यहां 10 x हो गया, यहां 23.9 पर रेकरिंग लिख सकते हैं, यानी 10x बराबर इसको हम लिख सकते हैं 23.9 पर रेकरिंग, बोलो 0.9 पर रेकरिंग हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10x माइनस 23, बोलो यस या नो। अब उसको अगर 100 से इसको मल्टीप्लाई करता इसको 100x इज इक्वल टू 239.9 पर एक लिख सकते थे, यहाँ पर ये 100x हो जाता और 239 प्लस 0.9 पर एक, यहाँ पर 100x हो गया और यहाँ पर 239 और 0.9 पर एक को हम लिख सकते हैं 10x माइनस 23, बोलो। अब ये वाला इधर आ गया तो यहाँ 90x हो जाएगा और 239 माइनस 23 हो जाएगा, अब x बराबर 239 माइनस 23 बाई 90 हो जाएगा, यह बात समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, नहीं संजीव जी लाओ जल्दी मोबाइल लाओ, मोबाइल लाओ, हाँ हो गया, इसको ठीक करो, चेक करो, आप उसको नहीं करो, रिपोर्ट करो, रिपोर्ट करो ना, आप इसको नहीं करो, ये वो क्या क्या करा है, तुम तो जल्दी आप